नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। जहां एक तरफ बल्लेबाज विकेट बचाते हुए रन बटोरने की कोशिश में होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज रन बचाते हुए विकेट निकालने की कोशिश में। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ा सपना होता है। मौजूदा समय में एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 155 टेस्ट मैचों में 592 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है, लेकिन पिछले मैच में एंडरसन मात्र एक विकेट ही निकाल सके थे, जिसके बाद क्रिकेट के गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि एंडरसन को अब संन्यास के बारे में सोच लेना चाहिए। जेम्स एंडरसन के बारे में ऐसी बातें सुन उनके साथ ही सैम कुरेन भड़क गए हैं। सैम कुरेन का कहना है कि उन्होंने सबको गलत साबित किया और वो इसी मैच में 600 टेस्ट विकेट के आंकड़ों को छू सकते हैं। जब लोग ऐसी बात कर रहे थे तो मैं काफी हैरान था। उनके विकेट और आंकड़े गवाही देते हैं कि वो कितने शानदार क्रिकेटर हैं। वो साफ तौर से इंग्लैंड के बेस्ट और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वो एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। उनसे सीखना और कोशिश करना काफी शानदार है। आपको बता दें कि एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में अपना 600 विकेट पूरा करने से महज 8 विकेट दूर है। वहीं इंग्लैंड की टीम अभी पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है। ऐसे में 38 साल के एंडरसन के लिए इसी टेस्ट सीरीज के दौरान ये इतिहास रच देने का सुनहरा अवसर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, एंडरसन पाकिस्तान के खिलाफ 600 विकेट पूरे कर इतिहास रच पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।